त्रायस्य भो जगन्नाथ गुरो संसारवन्नि दग्धम माम कालदंष्टम च त्वामहं शरणं गताः। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परम आराध्य तम त्रिला प्रविष्ट विष्णुपात अष्टत्रशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यर्पण राधा विनोद भाई चरण अनंत कोटि दंडवत व्यर्पण करता हूँ। आज हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो चतुर्मुख ब्रह्मा कल किस प्रकार प्रार्थना किया भगवान से, ये सब कथा हम कल श्रवण किया। कैसे उद्धव जी ने प्रार्थना किया, अब बता रहे हैं, जिस समय कृष्ण रंग भूमि में प्रवेश किया तो वहाँ के जो जितने भी स्त्रियाँ थीं कृष्ण को देख के मोहित हो गई और मोहित हो के ऐसे कह रही हैं कि पुण्यावत ब्रज भुवो हृदयम त्रिलिंग मूढ़ पुराण पुरुषो गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्यः गापालयन सहबलः वणयश्च वेणुं विक्रीडयन्ति गिरित्ररवार्चिता अंधे। कह रहे पुण्यावत ब्रज भुवो, ये ब्रज भूमि धन्याति धन्य है, ब्रज भूमि की प्रशंसा भूरी भूरी कर रहे हैं। ये ब्रज भूमि कोई साधारण नहीं, धन्याति धन्य है। और यदम लिंग, यहाँ पे जितने भी वृंदावन और वृंदावन में रहने वाली गोप गोपियां सभी धन्य। नृणाम नृणाम इंद्री लिंग, ये सब क्या है, नर मात्र ही, यहाँ पे जितने भी नर इंसान वास कर रहे हैं वो सब धन्य धन्य। क्यों गूढ़ पुराण पुरुषो वनचित्र माल्य, वो पुराण पुरुष जो निगूढ़ ब्रह्म जो साक्षात स्वरूप धारित होकर के सबके मन को मोहित कर रहे, आकर्षित कर रहे, इतना सुंदर विचित्र रूप वनमाली बन के कर रहे, वनमाला से विभूषित होकर और क्या कर रहे हैं, बोलते गा पालयन सह बलह, गौओं के पालन कर रहे हैं बलदेव के साथ, भगवान बलदेव भी उनके साथ पालन कर रहे हैं। और क्वणं वेणु, हाथ में कर कमल में वेणु वादन भी कर रहे हैं। कीड़ा यंचति विविध प्रकार के कीड़ा विलास में मग्न है भगवान, क्या कर रहे हैं, कीड़ा यंचति विविध प्रकार के कीड़ा विलास में मग्न है। तो ये मथुरा की स्त्रियां धन्य हैं जो कृष्ण रस आस्वादन हमेशा करती हैं, ऐसा वो लोग तारीफ कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि वृंदावनम सखी भुवो बितनो तिकीर्ति यद देव किसुत पदाब्ज लक्ष्मी गोविंद वेणु अनंत मयूर नित्यम समस्त सत्वम। क्या कह रहे हैं, वृंदावनम सखी भुवो बितनोति कीर्ति, वृंदावन की
कीर्ति के बारे में मैं क्या ही कहूँ हे सखी, ये वृंदावन की अधिक कीर्ति है, प्रभावशाली है। ऐसा एक सखी दूसरे सखी को कह रही है। यद देव की सुत पदाब्ज, जो देव की सुत है उनके पदाब्ज लब्ध लक्ष्मी, उनके चरण कमल को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी करोड़ों वर्ष तक तपस्या कर, तब भी उनको नहीं मिल रहा है। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मुरली ध्वनि तथा नेत्रों से मयूरों के नृत्य का रसास्वादन करने लगते हैं। मुरली ध्वनि जब बजाते हैं कृष्ण, तो ऐसा मयूर को प्रतीत होता है मानो मेघ गर्जना कर रहे हैं कि, और मयूर को भ्रम होने के कारण मयूर क्या करते हैं, नाचना शुरू करते हैं मेघ का आस्वादन। कृष्ण के रंग देख करके ऐसा लगता काला बादल छा गया है, और कृष्ण की बांसुरी सुनने से सोचते ही मेघ गर्जन मार रहा है, और कृष्ण की पीतांबरी लहराता हुआ देखने से मयूर का ऐसा प्रतीत होता है ये बिजली का। तो फिर मयूर क्या करता है, नाचना शुरू कर देता है। औरों की तो बात ही क्या, परम रसिक एवं भावुक स्वयं सुखदेव गोस्वामी भी पुलकित होकर वृंदावन की पुनः पुनः प्रशंसा करते। वृंदावन की ऐसी महिमा है औरों की तो बात ही क्या, स्वयं सुखदेव गोस्वामी महाराज जी पुनः पुनः लीला कीर्तन करते, खिला दो। चावल देना बस है। तो पुनः पुनः क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं इसे। इसलिए कह रहे हैं कि बरहा पीड़म नट वर वपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपीशम वैचयन् रंधार वेणुरधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। क्या कह रहे हैं, कृष्ण का रूप माधुरी इतना सुंदर है कि सुखदेव गोस्वामी महाराज जी जैसे लोग भी आकर्षित हो जाते हैं। इस श्लोक को जब सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने सुना, जंगल से बाहर आ गए, तब आकर्षित हो गए। इतना सुंदर रूप, एक रसिक और भक्त कवि ने वृंदावन के संबंध में श्रुति पुराणों का सार गागर में सागर भर दिया। क्या कह रहे हैं, ब्रज समुद्र मथुरा सकल वृंदावन मकरंद ब्रज वनित सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद्र। क्या कह रहे हैं, ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, संपूर्ण ब्रज समुद्र स्वरूप मथुरा है, पर उसमें भी वृंदावन मकरंद, वृंदावन के मकरंद के समान निज धाम, वृंदावन मकरंद के समान है, और ब्रज वनिता सब पुष्प के समान है ब्रज वनिता, और गोकुल चंद्र मधुकर है गोकुल चंद्र। मधुकर गोकुल चंद्र मतलब मधुकर कहते हैं भमर या मधुमक्खी को, ऐसे भमर को मधुकर कहते हैं। तो ब्रजवास ब्रज बनिता, बनिता मतलब गोपियां, गोपियां क्या हैं, पुष्प, और उसके ऊपर बैठने वाला कौन, भमर। तो भमर कौन है, तो साक्षात कृष्ण। इतना सुंदर बताया, वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं, भगवान का निज धाम, अपना घर।
हर, यहाँ तक कि भगवान से अभिन्न है वृंदा, भगवान से अभिन्न है वृंदा। तो भगवान का निज धाम, निज स्वरूप तीर्थ क्या है वृंदावन, क्या है भगवान का मानव स्वरूप है वृंदावन। एक समय नारद जी प्रयागराज के पास गए और जाके कहा, देखो सारे तुम प्रयाग का राजा हो ना, बोलता हाँ, तुम सभी तीर्थों का भी राजा है हो, ऐसा मैंने सुना आजकल डिक्लेयर हुआ है भगवान ने किया, सभी तीर्थों का भी राजा, बोलता हाँ, तो सारे तीर्थ आते तुम्हारे पास, हाँ, तो फिर ये छोटा सा वृंदावन जो तुम्हारे पास आता है, देखा नहीं था, तो बात तो तुम सही कह रहे हो, तो किस बात का फिर राजा है, बेकार राजा वैसे कुछ नहीं, ऐसा बात तो सही कह रहे हो, ये वृंदावन क्योंकि हमारे पास आया नहीं कोई कर कुछ लेके नहीं। तब फिर दुखी होकर के गया भगवान प्रयागराज, कहने लगा, प्रभु क्या ही बताऊँ, आपने तो हमको तीर्थ के राजा बनाया है ना, सच में बनाया है ना, हाँ क्यों मैंने बनाया ना, तो बोलते क्या ही बताऊँ, छोटा सा वृंदावन कभी नहीं आया, क्या करें। वृंदावन का नाम सुन के भगवान रोने लगे, उनका आंसू प्रवाहित होने लगा, क्यों, वृंदावन के माता यशोदा का ध्यान आया, वृंदावन का नाम सुन सखाओं का ध्यान आया और ब्रजवासियों का ध्यान आया, ध्यान आते आते रोने लगे, रोते आंसू पोंछ के फिर कहने लगे कि वृंदावन मेरा घर है भैया, मैं तुमको तीर्थों के राजा तो बनाया, ये ठीक बात है, अपने घर का मालिक नहीं बनाया, वृंदावन क्या है ये मेरा अपना घर है, ऐसा भगवान ने कहा। तो कहने की तात्पर्य क्या है, वृंदावन की बड़ी महिमा है, इसलिए पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्व में श्री नारद जी ने भक्ति देवी को वृंदावन का महत्व बताया है, भक्ति देवी को कि वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणीन वा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिरिनित्यति यत्र च। नारद जी कह रहे हे भक्ति देवी, वृंदावन में आके आप पुनः युवती हो गई, क्योंकि वृंदावन धन्य है, इसलिए आप वृंदावन में आके पुनः युवती हो गई, यहाँ तो यत्र तत्र सर्वत्र ही भक्ति नृत्य करती रहती है, चलती रहती है वृंदावन, ऐसा नारद जी ने कहा। और स्कंद पुराण में मथुरा खंड में श्री वृंदावन की महिमा उल्लेख है, वृंदावन की महिमा बता रहे, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति सुमेधुरे न ते मयापुरं यान्ति यान्ति पुण्यकृतां गतिं। क्या कह रहे हैं, हाँ, कृष्ण लीला के अप्रकट होने पर, कृष्ण लीला जब अप्रकट हो गया था उस समय ब्रज की जितने भी लीला चिन्ह थे वो सब प्रायः लुप्त हो गया, ब्रज में कोई थे नहीं, जंगली जंगल हो गया था, प्रायः सब लुप्त हो गया, कृष्ण की लीला सब लुप्त हो गया। जब लुप्त हो गया सांडल्य और भागुरी ऋषि की मदद से वज्रनाभ ने पुनः उन सभी लीलाओं का उद्धार किया, कहीं तीर्थ बनाए, कहीं कुंड बनाए, कहीं मंदिर बनाया, कौन वज्र, फिर 4,500 वर्ष बाद फिर से ऐसा ही हो गया, सब बोल गए, वहां क्या है नहीं। तब हमारे चैतन्य महाप्रभु आए और आकर के एक एक स्थानों का खोज निकाला, हमारे गोस्वामी वर्ग ने एक एक स्थानों का खोज निकाल के सबको प्रदान किया, क्योंकि इन लोगों के जैसे अथाह परिश्रम और अथाह सेवा का बलिदान हमारे गौड़िया वैष्णव तक क्या सारा संसार ही इनके चरणों में चिर ऋणी रहेंगे, क्या रहेंगे, चिर ऋणी, क्यों,
क्योंकि अगर महाप्रभु नहीं आते तो कौन जानता राधा की महिमा, कौन जानता, कौन जानता को पात खोलत उघाड़त, नहीं है। अगर रूप गोस्वामी पात नहीं आते तो ये सब चर्चा, ये सब लीला और ये वृंदावन, ये मथुरा, ये कैसे पता चलता, नहीं पता चलता। तो इसलिए इन्हीं की कृपा से ही हम लोग आज दर्शन कर पाते हैं। ये श्रीमद श्रीमन महाप्रभु का बड़ा दिन है, महाप्रभु का बड़ा ही देन, इन्हीं की कृपा से जान पा रहे हैं। राधा कृष्ण युगल के केली विलास में सब प्रकार से सहायक सहायिका श्री कृष्ण तरुणी भगवती कृष्णा महारानी यमुना जी ने वृंदावन को तीन ओर से घेर रखा है। वृंदावन को तीन ओर से कृष्ण का, यमुना जी का एक नाम है कृष्णा, क्या नाम है कृष्णा, कृष्णा क्यों, क्यों काले हैं ना यमुना जी, इसलिए तो कृष्णा है। तो ये क्या करती हैं, सारे वृंदावन को तीनों ओर से घेर रखी हैं और अपने किनारे में फल फूल पुष्प उद्यानों से हरा भरा करके रखती हैं ताकि राधा कृष्ण सुश्रुष्या से यहाँ लीला विलास कर सके जी। इतना सुंदर कर रखती हैं यमुना जी। यमुना जी कैसी हैं, वह तो दिव्य मणिमय घाटों से सुसज्जित कदम तमाल आम्र बकुल आदि वृक्षों और उनमें भी निर्मित विविध कुंजों से परिमंडित सप्त दल कमलों से सर्वदा सुशोभित यमुना की प्रेममयी बारी में सखियों के साथ राधा कृष्ण युगल विलास करते हैं। किसके प्रेममयी बारी, बारी मतलब जल, प्रेममयी जल में राधा कृष्ण यमुना के जल में विलास। उनके घाट कैसा है, वो तो रत्न से जड़ित घाट है, हीरा नहीं जहरत नहीं मणि, मणि से घाट बना, और ऐसा वैसा मणि नहीं, चिंता मणियों से उनका घाट बना है। चिंता मणि, चिंता मणि से वो घाट इतना चमकता है ना, रात के अंधेरे में से लगता है मानो ज्योत्सना निकल गया, मतलब चांद निकल गया, ऐसा चमकता है मानो चांद ही उनमें चिपका दिया है घाट, ऐसा ऐसा समझ में आया, ऐसा दिव्य घाट है। इसलिए कह रहे हैं कि चिदानंद भानु सदानंद सुनो प्रेम में पर प्रेम पात्री द्रव ब्रह्म गात्री अघानम वलवीत्री जगच्छे मधात्री पवित्र क्रियानो बपूर मित्र पुत्री। क्या कह रहे हैं, चिदानंद भानु सदानंद सुनो, हे चिदानंद, चिदानंद सूर्य, चिदानंद सूर्य स्वरूप नंदन श्री कृष्ण के उन्नत उज्जवल प्रेम को प्रदान करने वाली ये यमुना जी है। कौन है, यमुना साक्षात पर ब्रह्म की द्रविभूत विग्रह स्वरूपा है। ये जो यमुना जी है साक्षात पर ब्रह्म की द्रविभूत स्वरूपा, उनका ये जल द्रविभूत स्वरूपा मतलब जब पर ब्रह्म के प्रेम पिघल जाता है, उनका प्रेम पिघल के बहने लगता है तो ये यमुना जी, मतलब कृष्ण का जो प्रेम है वो जब पिघल गया जाता है तो ये यमुना के रूप में प्रकट होती है, समझ में आया।
तो इसलिए ये कृष्ण रूपा यमुना जी, इसलिए कृष्ण के वक्षस्थल से हृदय से यमुना जी प्रकट हुई। कहां से प्रकट हुई है? कृष्ण के हृदय से। तो हृदय को पवित्र करने वाली जगत मंगलकारिणी ये यमुना जी हैं। मरुर हृदय में भी ब्रज रस का संचार करने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी का हम पुनः पुनः प्रणाम करते हैं, बारंबार उनका स्तुति करते हैं। समझ में आया? ऐसे कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? गंगा दितीर्थ परिसे वितपाद पद्मम गोलक सख्य रस परम महिम महिमना आप्लाविताखिल सुधासु जलम सुखाब्धौ राधा मुकुंद मुदिताम यमुना नमामि। हंस क्यों रही? यमुना नमामि गंगादि तीर्थ परिसेवित पाद पद्माम। गंगादि तीर्थ गंगा कावेरी नर्मदा नर्मदा सिंधु ये सब नदियां मूर्तिमान विग्रह लेकर के जिनके चरण कमलों की सेवा करती हैं, को किन के करती हैं? पाद पद्माम जमुना जी की। गंगा भी जमुना जी की चरण कमलों की सेवा करती हैं, जिनकी चरण कमलों की सेवा करती है। ऐसे गोलोक सख्य रस परम महिम महिमना। गोलोक सख्य रस मतलब मधुर रस को प्रदान करने वाली जो कौन? यमुना जी है। हाँ। और श्री राधा कृष्ण युगल की रस परिपाटी युक्त सेवा को प्रदान करने वाली, मधुर रस सेवा को प्रदान करने वाली कौन प्रदान करती है? यमुना जी प्रदान करने वाली महिमा से युक्त है। महिम महिमना परम महिमा से युक्त है। अमृत पूर्ण जल प्रभा के द्वारा श्री राधा मुकुंद को सुख में निमज्जित करती है। क्या कह रहे हैं? आप्लाविता खिल सुधासु जलाम सुखाब्धौ राधा मुकुंद। राधा मुकुंद को अपने जल में निमज्जित करके उनको सुख अमृत प्रदान करती हैं। कौन? यमुना। मुदिताम यमुना नमामि। इसलिए ऐसे यमुना जी को हम, ऐसे प्रिया कृष्णा यमुना जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा श्लोक है, तुम बोल दोगे ना? यहाँ सौभरी ऋषि का आश्रम था। यह स्थान वर्तमान कालियादह के नाम से प्रसिद्ध है। सौभरी ऋषि यहाँ हजारों वर्ष तक सूक्ष्म ज्ञान के ज्ञान का अवलंबन करके यहाँ तपस्या। कैसा तपस्या? इनका सूक्ष्म तपस्या होकर ग्रीष्म शीत आदि सभी ऋतुओं में अपनी इंद्रियों को जीतकर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। इन्हीं दिनों भगवत परिकर गरुड़ जी यहाँ पर आकर के पेड़ के डाली के ऊपर बैठ गया वहाँ, और बैठ के एक पुरुष मछली को देखा। गरुड़ जी अपने स्वभाव बस उसको पकड़ के निकल गया, खा गया। तो महिला मछली जाकर के रोने लगी, सारे मछलियों को इकट्ठा करके लाई और सौभरी ऋषि के पास आके कहा, देव हमारा रक्षा करो, आप हमारा प्रतिकार करो, हमारे पति को खा गया ये गुरु, ऐसा कहा। सौभरी ऋषि आप ना देखा ताप, कहा अब गरुड़ यहाँ पे आएगा तो तुम्हारा सर उड़ जाएगा, मैं श्राप देता। भगवत भक्तों को ऐसे श्राप देने के कारण सौभरी ऋषि को वहां अपराध हुआ और कुछ दिन के बाद उनको जल में रह नहीं पाए और आके सुंदर अपना तपस्या का जो प्रभाव था उस प्रभाव से सुंदर यौवन बन गए, युवक बन गए और बन के मानधाता के सर्वगुण संपन्न सुंदरी कन्याओं को
सबके साथ साथ, सबके साथ साथ, और शादी करके हजारों वर्ष तक अपना तपस्या का फल बर्बाद कर दिया, ऐसे ही हजारों वर्ष तक भोग करता रहा, भोग करता रहा। इसलिए कह रहे हैं भगवत भक्त के चरणों में अपराध होने से ऐसा संसार दशा हो जाता है। और कालिया हद या कालिया दह, इसका वर्तमान नाम है कालिया दह। श्री कृष्ण ने कालिया के ऊपर चढ़कर कालिया हद में बड़े वेग से कूदे थे, यहाँ पे कालिया हद, और कालिया नाग के पास में बंध गए थे, बंध के निष्क्रिय हो गए थे, दिखा रहे कृष्ण। फिर ऐसे जब हो गया था निष्क्रिय, तब नागकन्या पत्नी लोग सोच रहे, देखो कृष्ण को ऐसे कष्ट दे रहा है, हमारा पति इतना दुष्ट है, ऐसे दुराचारी, ऐसे दुष्ट पति, भगवत विरोधी पति मर जाए तो अच्छा, हम लोग विधवा होके भगवान का भजन करती इतना अच्छा होता, ऐसा सोच रही। जो भगवत विरोधी है ऐसे पति मर जाए, ऐसा सोचा। इतने में क्या हुआ, कृष्ण कालिया के नाक पास से खुल के कृष्ण कालिया के सर पे चढ़ गए, और सर पे चढ़ के ऐसा ऐसा पैर मारा, कालिया मुंह से खून की उल्टी करता करता हालत खराब हो गया। और कालिया कहने लगे, ये तो कोई साधारण बालक नहीं, ये साक्षात भगवान लगता है, इनके शरण में मैं गिर जाऊं तो ही मेरा कल्याण है, ऐसा ऐसा सोचा। जब ऐसा सोचा तब उनके पत्नियों ने देखा, वो ये तो परिवर्तन हो गया, तो फिर उनके पत्नी जा करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु इनको छोड़। तो भगवान कह रहे कि वो छोड़ दो, इसको मार ही डालता हूँ, दूसरा नया शरीर दे दूंगा, ये सर्प शरीर में क्या भजन करेगा। तब वो लोग कह रहे, हम लोग नारी हैं और ये हमारा रक्षा करता है, हम लोग स्वच्छंद रूप से आपका भजन कर पाती हैं इन्हीं के वजह से, इसलिए आप इनको। तब भगवान ने कालिया को छोड़ दिया। और नागकन्या पत्नी गौन क्या मांगा, बोलते आपके चरणों की सेवा हम चाहते हैं। जिस चरणों की सेवा प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी हजार हजार वर्ष तक तपस्या कर रही हैं, कोई सेवा हमको भी प्राप्त हो ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा नागकन्या पत्नी गण मांगा भगवान। इसलिए कहते जय द्विजपति जय जय नागकन्या गोविंद शरण, ये लोग गोविंद शरण प्राप्त किए। तब भगवान ने कहा कालिया को, यहाँ से चले जाओ रमणद्वीप, कहाँ चले जाओ, रमणद्वीप में वहाँ भजन करो। बोलते हमको डर लगता है गरुड़ से, बोलते गरुड़ तुमको कुछ नहीं करेगा क्योंकि हमारा चरण तुम्हारे सर पे, गरुड़ तुमको देख के तुम्हारे साथ दोस्ती करेगा, तुम्हारे तुमको कुछ नहीं करेगा, ऐसा कहा। और वहाँ से चले गए रमणद्वीप में, कौन कौन गया, जोर से बोलो कौन गया। अब इन्हीं के पास, कालिया दह के पास ही प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के भजन कुटी हैं, और भजन कुटी के साथ साथ समाधि भी है। क्या है देखो, वृंदावन में कालिया दह के पास है, काम्य वन में भी उनका भजन कुटी है, काम्य वन में समाधि नहीं बना। प्रबोधानंद सरस्वती भजन कुटी और समाधि यहाँ प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध वृंदावन। तो राधा रस सुधा निधि वृंदावन महिमा मृत चैतन्य चरितामृता चैतन्य चंद्रामृत संगीत माधव आदि ग्रंथों का रचयिता है ये प्रबोधानंद सरस्वती। कोई कोई पापी पाखंडी दुष्ट दुराचारी कहते हैं कि हमारे ये प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने ये राधा रस सुधा निधि नहीं लिखा, ये लिखा है वो कौन, ये तो हरिवंश वल्लभ पता नहीं कौन है, उनने लिखा, ऐसा कहते हैं। कोई कोई पापी, तो पापी होते हैं दुष्ट दुराचारी होते, दूसरे के यश को अपने और छींटा लगा के पटकते हैं, ऐसे लोग कहते हैं, ऐसे कहते हैं।
पर वास्तविक में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि राधा रस सुधा निधि हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने लिखा है। उन लोगों के पास ऐसा रस ग्रंथ, ऐसा रस व्यवहार कहां से आएगा? हित हरिवंश कौन है? कृष्ण लीला में कौन है? वंशी का अवतार, वंशी का अवतार, वंशी अवतार ले लिया खाल। हाँ, महाप्रभु के लीला में आए थे अभिराम ठाकुर, और एक साथ दो दो बांसुरी आ जाएगा, पागलपन। बांसुरी का अवतार है वो तो, और तुम्हारे कौन कौन से अवतार है बताओ? और किसी का पता नहीं है? किसी हरिवंश के गुरु कौन है, उसके गुरु का गुरु कौन है, उसके गुरु का गुरु कौन है, पता है? उन्हें उनको पूछो ना कौन है, पता है? उनको पता ही नहीं है। परंपरा नहीं है, धारा नहीं है, ये अपसंप्रदाय है। जिसकी परंपरा ना हो, जिसकी धारा ना हो, वो अपसंप्रदाय कहलाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उड़ के आके बैठ गया। तो वास्तविक में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कौन है? ये कृष्ण लीला में तुंग विद्या सखी है। कौन है? तुंग विद्या, चौथे नंबर के ललिता विशाखा चंपक लता तुंग विद्या। तो वे उस समय काम्य वन में भी रह करके अंतिम समय में वे भजन करते करते यहीं समाधिस्थ हो गए थे वृंदावन में। उस समय काम्य वन में भजन किया और यहाँ पे समाधिस्थ हो। अनिर्वाचनीय लोगों का यह कहना है कि प्रबोधानंद सरस्वती और काशी वासी अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति है। कोई कोई अज्ञानी, कोई कोई दुष्ट पापी लोग ऐसे कहते हैं कि प्रबोधानंद सरस्वती और काशीवास अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति का दो नाम है। हाँ। पहले भक्त प्रबोधानंद सरस्वती, बीच में मायावादी प्रकाशानंद, और फिर प्रबोधानंद सरस्वती हो गया। यह कोरी कल्पना है हमारे गुरु जी की, कोरी कल्पना है। हाँ। श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इस अर्वाचनीय मत का खंडन किया है। वास्तविक में प्रबोधानंद सरस्वती शुरू से ही, प्रारंभ से ही भगवत भक्त है, कभी मायावादी थे ही नहीं, नहीं समझे? तो इसलिए प्रकाशानंद व्यक्ति अलग है और प्रबोधानंद व्यक्ति अलग है, अलग अलग है, ऐसे ऐसे लोग हैं। इसी के पास कालियाधर के पास द्वादश टीला है, जब द्वादश आदित्य टीला, जिस समय कृष्ण कालियाहद से निकले थे उनको बहुत ठंड लगी, तो टीले के ऊपर सूर्य की ताप ले रहे थे, तो सूर्यदेव 12 कलाओं में प्रकट होकर के कृष्ण को ताप प्रदान किया। और ताप जब प्रदान किया कृष्ण के शरीर से, इतना ताप आया कृष्ण के शरीर से पसीना निकलने लगा, तो यहाँ पे फिर एक सरोवर बन गया। क्या बन गया? प्रस्थ क्रंदन क्षेत्र, सूर्य के ताप से कपकपी दूर हुई, इसलिए यहाँ पे प्रस्थ क्रंदन तीर्थ प्रसिद्ध हुआ, कृष्ण के शरीर से निकला। ठीक है ना? अब हम भक्ति करते करते बहुत दिन हो गया, मतलब कथा सुनते सुनते अब हम लोग वंछा कल्पत्र वैष्णवेभ्यो